हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे, वो लगभग 67 साल के थे। ऋषि कपूर उन लकी एक्टर्स में से एक थे जिन्हें पहली फिल्म से ही सफलता का स्वाद चखने को मिल गया था। लेकिन वो भले ही फिल्मों में सफल थे और उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्में की थी, लेकिन वो उस दौर में थे जहाँ एक्टर्स अक्सर टाइप कास्ट हो जाते हैं। ऋषि कपूर भी बहुत हद तक एक रोमांटिक हीरो के तौर पर नज़र आए जिन्हें ज़्यादा और कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी हाल के ही कुछ सालों में उनके एक्टिंग को एक नया मुकाम मिला। इंडस्ट्री में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों ने उन्हें न केवल दूसरा चांस दिया बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर बनने का मौका भी दिया। अमिताभ बच्चन के बाद वो इकलौते ऐसे एक्टर रहे जिन्हें नेगेटिव, पॉजिटिव या कहीं तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक्टर बनने का मौका मिला। ऋषि कपूर खुद भी मानते थे कि उन्हें एक्टिंग करने का मौका तो अब मिल रहा है, जबकि पिछले 25 सालों के करियर में उन्होंने ना केवल खुद को बल्कि पब्लिक को भी बेवकूफ ही बनाया है। ऋषि कपूर के जवानी के दिनों की कुछ बेहतरीन फिल्में आज भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन 55 साल की उम्र पार करने के बाद उन्होंने जो फिल्में की हैं वो शायद उनके पूरे करियर की उम्दा फिल्मों में से एक है। चलिए आज मैं आपको उनकी उन 7 फिल्मों के बारे में बताती हूँ जो कि आज के जनरेशन को ना केवल बेहद पसंद है बल्कि जो आगे के जनरेशन के लिए भी उनके द्वारा किए गए ये रोल्स एक एग्जाम्पल के तौर पर रखी जाएंगी। पहली फिल्म का नाम है अग्निपथ, जो कि 2012 में आई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर का एक नया ही अवतार देखने को मिला। इसमें उन्होंने रऊफ लाला का किरदार किया था जो कि एक ड्रग डीलर था। अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए वो मीट का व्यापार भी करता था। इसमें ऋषि कपूर की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि आपको फिल्म देखने के बाद ये कैरेक्टर ना केवल घिनौना लगेगा बल्कि आपको उससे नफरत भी हो जाएगी। सोचिए, एक रोमांटिक हीरो से आप ऐसे एक नेगेटिव कैरेक्टर को इतना कन्विक्शन के साथ निभाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऋषि कपूर साहब ने ऐसा कर दिखाया था। दूसरी फिल्म है 2018 में आई मुल्क, जिसमें उन्होंने एक ट्रेडिशनल मुसलमान का किरदार निभाया था जो कि अपने धर्म और परिवार के ऊपर आए आतंकवाद की चीटों को साफ करने की कोशिश करता है। इस रोल को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि ऋषि कपूर ने उस छवि को और उन इल्ज़ामों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। तीसरी फिल्म है कपूर एंड सन्स, जो कि 2016 में आई थी। उसमें उन्होंने एक ग्रैंडफादर का रोल किया था जो कि अपने आखिरी वक्त में अपने टूटे हुए परिवार को एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा होता है। भले ही उनका यह रोल सिंपल सा था, लेकिन इसमें कई सारे इमोशंस थे जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया था। चौथी फिल्म है 2013 में आई डी डे, जिसमें ऋषि कपूर ने एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका की जो पाकिस्तान में अपना बिजनेस भी चलाता है। ऋषि कपूर का यह नया शेड भी लोगों को बेहद पसंद आया था, जबकि ऋषि कपूर पहली बार ऐसी भूमिका में नज़र आए थे। पांचवी फिल्म है द बॉडी, जो दिसंबर 2019 में आई थी और ऋषि कपूर की यह आखिरी फिल्म है। यह फिल्म ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाई, लेकिन इसमें उन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका की है जो एक मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने का प्रयास करता है। ऋषि कपूर को इस रोल में भी देखना नया था। यह फिल्म भी बेहद दिलचस्प है और अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। छठी फिल्म है 102 नॉट आउट, यह 2018 में आई थी, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल किया था। इसमें उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि जो अपने बेटे के मुंह में फंसा है लेकिन अपने पिता और दुनिया से खफा है, जिसमें उसने अपने पिता से पहले अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया है। यह फिल्म भी उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसमें वो एक्टिंग में अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार पर भी भारी पड़ते नज़र आए हैं। सातवीं फिल्म है 2x4, जिसमें उन्होंने एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर का रोल किया था जो अपने परिवार और बच्चों की खुशी और एक कार खरीदने के लिए कई जुगाड़ करता है। यह फिल्म 2010 में आई थी और यह भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। मुझे उम्मीद है आपने इसमें बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और अगर नहीं देखी है तो आपको ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।